पूछूंगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ये बताओ कि पेपर कैसा आया था? केमिस्ट्री मॉडरेट था, उसमें फिजिकल का क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक से ज़्यादा थे। अच्छा, और अगर बात करें मैथमेटिक्स की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो इस बार कैसा लग रहा है? लेंदी ही था, मतलब लेंदी था। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं एक घंटा कम पड़ा। हाँ, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यही चीज़ थी कि एक घंटा कम पड़ रहा था? नहीं, केमिस्ट्री तो बहुत ईजी था और फिजिक्स भी ठीक ही था। अच्छा, अगर बात करें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की, हाँ, तो केमिस्ट्री में थे, फिजिक्स में कितने कितने करीबन होंगे? 6-7 के आसपास होंगे। मैथमेटिक्स जैसा कि आप बोल रहे हो टफ होगा, तो मतलब इतना टफ था कि यार एक घंटा बिल्कुल ही कम पड़ गया, मतलब 10 ही क्वेश्चन कर पाया, 15 क्वेश्चन कर पाया, ऐसा कुछ? हाँ, वो अब स्पीड होता है। अच्छा, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 2022 से अगर अपन कंपेयर करें इस वाले पेपर को, तो कितना डिफरेंस लगा? इस बार पैटर्न चेंज आया, मतलब थोड़ा बहुत इजी था एज कम्पेयर टू पिछली बार। ठीक है, तो अब लास्ट मुझे ये बताओ कि यार इवनिंग शिफ्ट वालों को कुछ गाइडेंस देना चाहते हो क्या? अब पैटर्न तो बहुत चेंज आ रहा है। हाँ, ठीक है, उसमें तो कुछ गाइडेंस नहीं है, बस ये है कि फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करके चले जाओ, फॉर्मूले से जितने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओगे वो बढ़िया रहेगा। ठीक है यार, थैंक यू सो मच मैन। अच्छा, मेरे को एक बात बता, एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड कर लें अनअकैडमी के चैनल के लिए। जी, ठीक है, कुछ बेसिक सवाल पूछने वाला हूँ। पेपर कैसा था, कौन से पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? ठीक है, PCM के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग था या ऐसा लगा कि यार बेसिक ईजी था? ठीक है, तो वो सवाल पूछ लूँ? जी, स्टार्ट करें। हाँ जी, ठीक है। तो यार पेपर कैसा गया अपना? ठीक ही गया। ठीक है यार। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कौन सा पार्ट ऐसा लगा कि यार ये सबसे टफ था? मैथ्स हर बारी की तरह। हर बारी की तरह, हर बारी 2022 में मैथ्स ऐसा सुनने में आया था यार बहुत ज्यादा टफ आया था, क्या उसके जैसा ही कुछ देखने को मिला? नहीं नहीं, उससे तो ठीक था, उससे ठीक था, कुछ क्वेश्चन सही थे। ठीक है, और कुछ तो मतलब कि कर रहे थे काम। अच्छा, और बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं यार कि ना मतलब फॉर्मूला बेस्ड पेपर आ रहा है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अभी फिजिक्स में एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आया था कि जैसे कि ना एक्स डिस्टेंस V1 से चलता है और दूसरा एक्स डिस्टेंस भी V2 से चलता है, तो एवरेज स्पीड बताएं, वो सेम फॉर्मूला वाला, सिंपल इजी वाला फॉर्मूला बेस्ड। फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो यार जैसे कल के पेपर में दोनों शिफ्ट में मेरे को बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर 15 क्वेश्चन करीबन फॉर्मूला बेस्ड थे, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ? आज भी कुछ रीजन देख लो कि तो आप मॉडर्न फिजिक्स से भी आया हुआ था फोटो डायोड वाला। ठीक है, तो मतलब कि मतलब कुछ क्वेश्चन बढ़िया है मतलब कि, और कुछ क्वेश्चन है तो मतलब कि पूरा काम खराब कर देते हैं। अभी अगर बात करें इवनिंग शिफ्ट वालों की, तो इवनिंग शिफ्ट वालों को कुछ बोलना चाहोगे कि यार तीन शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, तीनों में फॉर्मूला मेजरली यूज हो रहे हैं, तो अगर बच्चा अभी कुछ रिवीजन करने बैठता है तो क्या उसको फॉर्मूला पढ़ना चाहिए क्या, या एक या दो मॉक टेस्ट लगा ले शाम तक? जो याद है वही रखो अभी तो। हाँ। सेकंड अटेम्प्ट में देखना बाकी। ठीक है, छः पाँच छः घंटे से कुछ नहीं बनने वाला। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच।